अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्री प्राइमरी इंग्लिश का जो टॉपिक रीड आउट करने जा रहे हैं वो है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती हैं? फीलिंग्स होती हैं हमारे एहसास, जब हम किसी मौके पे हम रिएक्शन करते हैं, जब हम एंग्री होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, हम परेशान होते हैं तो हम रोते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम हंसते हैं। इनको कहा जाता है हमारी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द करेक्ट आंसर्स देन राइट द आंसर्स ऑन द लाइन। लुक एट द पिक्चर। आपको पिक्चर देखे वैसे ही पता चल जाएगा कि पिक्चर में कौन सा फेस है। सो लुक एट दिस, दिस इज हैप्पी और सैड। ये खुश हैं या उदास हैं? ये देखें इनकी स्माइल कितनी प्यारी है, तो ये हैप्पी हैं। आप यहाँ से हैप्पी के वर्ड्स उठाएंगे और यहाँ पे इसको राइट डाउन करेंगे। गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। ओ, इनका तो काइट ही फट गया है, तो ये सैड हैं या एंग्री हैं? सैड होते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं तो हम रोते हैं, जब एंग्री होते हैं तो हम हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हम बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तो अभी ये परेशान है ना, तो यहाँ पे सैड आएगा, यहाँ पे हम सैड को राइट डाउन करेंगे। गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। स्कैर्ड, हैप्पी। डॉगी इनको डरा रहा है, तो ये स्कैर्ड हैं, खौफजदा हैं या हैप्पी हैं, खुश हैं? ओह, ये तो बहुत डरे हुए, इनकी फेस एक्सप्रेशन से देखे ना, आपको पता लग रहा है कि ये खुश हैं? नहीं ना, तो ये स्कैर्ड हैं। ही इज वेरी स्कैर्ड। गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। आपको पिक्चर में क्या लग रहा है बेटा? इन्होंने इनका टॉय तोड़ दिया, तो ये हैप्पी हैं या एंग्री हैं? ओह, ही इज वेरी एंग्री। ये बहुत एंग्री हैं, और हम यहाँ से एंग्री को अंडरलाइन करके यहाँ पे एंग्री नोट डाउन करेंगे। Thank you, students.